ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम बच्चों। सो अब आज की वीडियो में, इस वीडियो में दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि भाई क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में वॉइड्स कौन कौन से होते हैं और इनकी पोजीशन क्या है, इनके नंबर्स क्या हैं। दोस्तों इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि इनको रटना तो बड़ा आसान है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में सीसीपी या एफसीसी में कितने टेट्राहेड्रन ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स हैं, लेकिन दोस्तों एडवांस लेवल के सवालों के लिए जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इनकी नंबर्स नहीं बल्कि हमें इनकी पोजीशंस को भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो आपसे बोल दे कि एक पर्टिकुलर टाइप के वॉइड्स को वो हटा देगा, तो आपको तो पता ही नहीं कि भाई कौन से वॉइड कहाँ पर हैं और वो कितनी संख्या में। तो ऐसे केस में हम कंप्लीट विजुअलाइजेशन बच्चों यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सो काम चलाऊ तरीके से हमको नहीं समझना, बल्कि हमको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ठीक है, सो आइए चलिए बिना देरी के अब हम लोग वॉइड्स की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों, ओके गाइस, सो अब आप लोग दोस्तों मेरे साथ देख रहे हैं इस फिगर को, बहुत ही प्यारी सी फिगर है और इस फिगर के द्वारा आई होप कि बच्चों आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टेट्राहेड्रन वॉइड्स के बारे में। सो मैं यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रन वॉइड्स के बारे में बताऊँगा, टेट्राहेड्रन वॉइड्स के बारे में बताऊँगा, और इस सेक्शन में हम लोग बच्चों ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के वीडियो में बताया था कि भाई हमारे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हमने दो तरह के वॉइड्स देख रहे थे, बन रहे थे टेट्राहेड्रन एंड ऑक्टाहेड्रन। हालांकि कंप्लीट टाइप ऑफ वॉइड्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत तरीके के होते हैं, ट्राइगोनल, क्यूबिक, अलग अलग टाइप के वॉइड्स होते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी, दैट इज टेट्राहेड्रन एंड ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स। टेट्राहेड्रन वॉइड्स के बारे में मैंने बोला था कि एक ऐसा वॉइड जो कि चार एटम के बीच में होता है उसे कहते हैं टेट्राहेड्रन वॉइड। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारी पहली लेयर गाइज, ये है हमारी पहली लेयर। सो ये है हमारी बच्चों फर्स्ट लेयर। सो फर्स्ट लेयर बच्चों हमारे पास ग्रीन एटम्स की है, ये हमारे पास तीन एटम है। अब इस तीन एटम के बीच में जो डिप्रेशन होता है वहाँ पे हमने चौथा एटम प्लेस करना है। तो हम जब ये चौथा एटम को प्लेस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे प्लेस होगा। ठीक है, अब जब चौथे एटम को आप प्लेस करोगे तो दोस्तों देखिए वो कहाँ से, वो हमारे यहाँ से दोस्तों आएगा। ठीक है, आप इसको विजुलाइज कर सकते, खुद से भी देख सकते, समझ सकते हैं, वो हमारा यहाँ पर आएगा। बट स्टिल बच्चों इन चारों एटम के बीच में अगर हम डीप में जाएंगे, अगर हम बच्चों इन एटम्स के अंदर जाएंगे तो हम पाएंगे एक छोटी सी वेसिनिटी है, एक छोटा सा बच्चों कैविटी है। उस कैविटी को आइए चलिए मैं आपके सामने मार्क करता हूँ। सिर्फ बच्चों एक छोटा सा कैविटी यहाँ पर होगा, एक छोटी सी कैविटी यहाँ पर होगी, और ये जो हमारा ऊपर वाला जो एटम है, ये जो ब्लू वाला एटम है, ये कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी कैविटी होगी जिसके ऊपर हमारा ये ब्लू वाला एटम मौजूद होगा। ये कैविटी बहुत छोटी सी है, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए दोस्तों मैं इस तरह से चार नींबू को प्लेस करूं, ठीक है, मैं चार नींबू को इस तरह से प्लेस करूंगा, तो लेट से बच्चों हमने बेर की एक छोटी सी गुठली ले ली, जामुन की एक छोटी सी गुठली ले ली, या लेट से हमने नींबू का बीज ले लिया, उस बीज को बच्चों आप इस टेट्राहेड्रन कैविटी में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इतनी छोटी कैविटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम संतरे ले रहे हैं, मौसम्मी ले रहे हैं, तो ऐसे केस में हम बेर की गुठली या फिर जामुन की गुठली को हम बच्चों एक टेट्राहेड्रन कैविटी में फिक्स कर सकते हैं। और अगर हम नींबू वगैरह की बात करें तो नींबू के बीज को हम यहाँ पर टेट्राहेड्रन कैविटी में फिक्स कर सकते हैं। सो नींबू का बीज, वो एक छोटा सा बच्चों बीज यहाँ पे फिट हो जाएगा, और फिट होने के बाद वो कितने लोगों को टच करेगा, चार लोगों को टच करेगा, नीचे से तीन लोगों को और ऊपर से एक बंदे को। तो ये दोस्तों होती है हमारी क्या, टेट्राहेड्रन वॉइड। सो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन वॉइड। टेट्राहेड्रन वॉइड वो कैविटी होती है जो कि चार लोगों को टच करती है। बच्चों यहाँ पे टचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टेट्राहेड्रन कैविटी चार लोगों को टच करती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ऑक्टाहेड्रन वॉइड। ठीक है भाई, चलिए ऑक्टाहेड्रन वॉइड में आते हैं। सो ऑक्टाहेड्रन वॉइड के बारे में मैंने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या बोला था, एक ऐसी कैविटी होती है जो कि छः लोगों को टच करती है, एक ऐसी कैविटी जो कि छः लोगों के बीच में होती है उसे कहते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रन वॉइड। अब ये कैसे बनेगी आइए समझते हैं। सो ऑक्टाहेड्रन वॉइड को दोस्तों बनाने के लिए आपने तीन एटम पहली लेयर में रखने हैं और तीन एटम अगली लेयर में रखने हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एटम्स होंगे ये आपने ऐसे प्लेस करने कि इनके सेंटर्स, इनके दोस्तों सेंटर आपस में मैच ना करें, इन छह एटम के सेंटर्स बच्चों आपस में मैच ना करें। ठीक है, इस तरह से आपने प्लेस करना। सो लेट्स से पहली लेयर ग्रीन एटम्स की है, इस तरीके से मैं इनको टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टच कराऊंगा तो फिर आपको बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, वो तो यहाँ पे देख ही रहे।
और अगली लेयर सेकेंड लेयर दोस्तों हमारी इन एटम्स की होगी, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना बच्चों, इन एटम्स के सेंटर और इन एटम के सेंटर एग्जैक्टली एक के ऊपर एक मौजूद नहीं है, जैसा कि बच्चों आप इन फिगर में भी देख रहे हैं। ये ग्रीन वाला एटम का सेंटर, ब्लू वाले एटम के सेंटर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। सो यहां पर दोस्तों क्या होगा, ठीक है दोस्तों, यहां पे दोस्तों क्या होगा, इन छो एटम के बीच में दोस्तों, इन छो एटम के बीच में एक कैविटी होगी, इन छो एटम्स के बीच में कैविटी होगी, और वो जो कैविटी होगी वो इन छो एटम को टच कर रही होगी, वो कैविटी जो होगी उन छो एटम को टच कर रही होगी। दोस्तों सर्टेनली ये वाली जो कैविटी है ऑक्टाहेड्रन कैविटी, क्योंकि ये ज्यादा एटम के बीच में है, क्योंकि ये ज्यादा संख्या में एटम के बीच में है, ये ज्यादा एटम से घिरी हुई है, ये बड़ी कैविटी होती है। और टेट्राहेड्रन कैविटी क्योंकि चार एटम के बीच में है, कम एटम्स के बीच में, तो ये छोटी कैविटी होगी। भाई ज्यादा एटम के बीच की स्पेस भी ज्यादा होगी, कम एटम के बीच की स्पेस कम होगी, क्योंकि है तो सारे एटम सेम साइज के, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रन कैविटी का साइज टेट्राहेड्रन कैविटी से बड़ा होता है, और ऑक्टाहेड्रन कैविटी साइमल्टेनियसली, ऑक्टाहेड्रन कैविटी बच्चों साइमल्टेनियसली सिक्स एटम को टच करती है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी अपनी गोल्डन लाइन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो इस गोल्डन लाइन को अपनी अपनी कॉपी में नोट करना है, क्या वो गोल्डन लाइन है, आइए जल्दी देखते हैं। चलिए भाई बात करते हैं। सो अब दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। दोस्तों वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इफ A closed packed structure, for closed packed structure, for closed packed structure consists of n atom, for closed packed structure consists of n atoms, then in between n atoms, then in between n atoms, then in between n atoms there will be, then in between n atoms there will be 2n tetrahedron voids, then in between n atoms there will be 2n tetrahedron voids, then in between n atoms there will be 2n tetrahedron voids, and n octahedron voids. ठीक है, देर विल बी एन ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स एंड देर विल बी टू एन टेट्राहेड्रन वॉइड्स। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन लाइन है, आपको इस लाइन को बच्चों याद रखना है, मेमोराइज करना है और बहुत अच्छे से फील करना होगा, ठीक है। सो पहले आप इस लाइन को नोट करिए, याद करिए, इसके बाद में आइए, चलिए मैं आपको इस लाइन को विजुअलाइज भी कराता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग बच्चों आ गए अपने इस फिगर पे। बच्चों देखिए ये फिगर आप लोगों को याद होगी, मैंने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के दौरान एनसीईआरटी की ये फिगर यूज की थी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो लेयर ऑफ एटम है, पहली जो लाइट कलर की जो एटम्स हैं दे आर आवर फर्स्ट लेयर, ठीक है, और जो डार्क कलर के एटम्स हैं, बोल्ड कलर के एटम्स हैं, दे आर आवर सेकेंड लेयर। सो हमारे पास दोस्तों काफी सारे एटम्स हैं, आप इनको काउंट भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। अब दोस्तों इन एटम के बीच में, दोस्तों अब इन एटम के बीच में आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ टेट्राहेड्रन वॉइड्स है, कुछ ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स हैं, आपने पहला वाला वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कुछ टेट्राहेड्रन वॉइड्स है, कुछ ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स है, कुछ टेट्राहेड्रन वॉइड्स हमारे नीचे से बंद है, कुछ टेट्राहेड्रन वॉइड्स हमारे ऊपर से बंद है ना, पूरी चीज़ें आपको याद होंगी। अब दोस्तों जरा समझिएगा, ये पूरी की पूरी रो ऑफ एटम है दोस्तों, ये पूरी की पूरी दोस्तों रो ऑफ एटम हमारी किसकी है, टेट्राहेड्रन वॉइड की है, ये पूरी की पूरी रो ऑफ एटम किसकी है, टेट्राहेड्रन वॉइड की है। फिर उसके बाद एक अगली रो ऑफ एटम आती है हमारी, सॉरी एटम नहीं, ये पूरी की पूरी रो ऑफ वॉइड्स हमारी टेट्राहेड्रन वॉइड की थी। फिर उसके बाद अगली रो आती है हमारी ऑक्टाहेड्रन वॉइड की आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली एक और रो ऑफ वॉइड्स आ रही है, ये किसकी है भाई, ये भी टेट्राहेड्रन वॉइड की रो है। और उसके बाद एक और रो आ रही है जो कि भाई किसकी है, एक और रो ऑफ वॉइड्स है जो कि भाई किसकी है, ये टेट्राहेड्रन वॉइड,
ये रोबियम है किसकी है, टी वॉइड की है, टेट्राहेड्रन वॉइड की रो है। उसके बाद अगली रो ऑफ वॉइड्स आते हैं, ठीक है, ये हमारे ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स है। और एट लास्ट एक और रो ऑफ वॉइड्स आ रही है जो कि अगेन हमारी टी वॉइड्स है, ठीक है दोस्तों। सो हमारे पास कुछ सेट ऑफ एटम्स थे, हमने उनको पैक किया हुआ है, हमने उनको क्लोजली पैक किया हुआ है, और उनके बीच में कुछ वॉइड्स हैं, कुछ खाली स्पेसेस हैं। हम उन वॉइड्स को जब हमने विजुलाइज किया तो हमने पाया उनमें से कुछ टेट्राहेड्रन वॉइड्स, कुछ ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स हैं। अब दोस्तों जरा समझिए, हाउ मेनी रोज ऑफ टेट्राहेड्रन वॉइड्स आर प्रेजेंट हियर, नो मैटर वेदर दे आर क्लोज फ्रॉम डाउन साइड और दे आर क्लोज फ्रॉम अप साइड, इट डजेंट मैटर। हाउ मेनी रो ऑफ टेट्राहेड्रन वॉइड्स आर देयर, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। सो वी हैव फोर रोज ऑफ टेट्राहेड्रन वॉइड्स, सो वी हैव फोर रोज ऑफ टेट्राहेड्रन वॉइड्स, सो वी हैव फोर रोज ऑफ टेट्राहेड्रन वॉइड्स। एंड हाउ मेनी रोज ऑफ ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स, एंड हाउ मेनी रोज ऑफ ऑक्टाहेड्रन वॉइड। दोस्तों इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स वी हैव टू रोज ऑफ ऑक्टाहेड्रन वॉइड, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स वी हैव टू रोज ऑफ ऑक्टाहेड्रन वॉइड। सो टोटल वी हैव फोर रोज ऑफ टेट्राहेड्रन वॉइड एंड टू रोज ऑफ ऑक्टाहेड्रन वॉइड। सो दैट्स हाउ दोस्तों यहाँ पे हमारा सीन चल रहा है, चार रोज टेट्राहेड्रन वॉइड की है और दो रोज ऑक्टाहेड्रन वॉइड की है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सीन है। अब जो हमारा रूल था क्या ये उस रूल से मैच करा, यस बच्चों, अगर एन ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स है तो उनके बीच में टेट्राहेड्रन वॉइड की संख्या 2n होगी, और ये सारे के सारे एन एटम जो कि क्लोजली स्पेस्ड हैं वो दोस्तों यहाँ पे सीन होगा। ये बहुत ही बहुत गोल्डन रूल होता है जो कि हमारा बाइनरी कंपाउंड के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में बहुत काम आएगा। जब हम लोग NaCl का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, CF2 का पढ़ेंगे, Na2O का देखेंगे, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड देखेंगे, तो वहाँ पे ये रूल बहुत बहुत काम आएगा, ठीक है। अब आइए चलिए हम लोग दोस्तों इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं अपनी HCP यूनिट सेल और हम लोगों का FCC यूनिट सेल में भी, आइए चलिए इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो आइए चलिए अब हम लोग अपने हेक्सागोनल यूनिट सेल में देखते हैं कितने टेट्राहेड्रन कितने ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स और उनकी पोजिशनिंग क्या है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ हमको किसी भी किताब में डिस्कशन नहीं मिलता है। और FCC में कितने टेट्राहेड्रन वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स हैं उनको भी दोस्तों आइए चलिए देखते हैं और विजुलाइज करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सीन ये अपने पास दोस्तों ये है कि ABAB टाइप ऑफ पैकिंग, याद करिए बच्चों ABAB टाइप ऑफ पैकिंग की सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई थी। ABAB type of packing is formed when third layer of atom is placed over tetrahedron voids. ठीक है, तो ऐसे में हमको ABAB type of packing कहते हैं, और इसको hexagonal HCP भी कहते हैं, hexagonal closed packed structure भी कहते हैं। So it is called ABAB or hexagonal closed packed structure. It is called ABAB or hexagonal closed packed structure. दोस्तों अब हम इसको बहुत डिटेल में समझने जा रहे हैं, hexagonal क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में, इसके में हम एक तरह से कह सकते हैं हम इसमें PhD करने जा रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों हम लोग इसके बारे में समझने जा रहे हैं। पहले तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था, हमारे पास ये हेक्सागोनल टू डायमेंशनल लेयर है, फिर तो उसमें तीन एटम के बीच में जो वेकेंट स्पेस होती है उसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर ऑफ एटम रखा। अब सेकेंड लेयर ऑफ एटम को हमने टेट्राहेड्रन वॉइड्स के ऊपर रखा, लेकिन वो टेट्राहेड्रन वॉइड जो नीचे से बन रहे हैं उनके ऊपर हमने रखा। जब हमने उनके ऊपर रखा तो ये एग्जैक्टली दोस्तों हमारे पास थर्ड लेयर जो है हमारी फर्स्ट लेयर के पैरेलल आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एटम्स की लेयर वाइज पैकिंग होती है, और ये दोस्तों हमारा बनता है हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये दोस्तों हमारा बनता है हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। पहले तो आप इस फिगर को समझिए और फिर मैं आपको दोस्तों हेक्सागोनल यूनिट सेल, उसमें एटम की लोकेशन और सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस फिगर को बहुत क्लोजली एनालाइज कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको हेक्सागोनल यूनिट सेल में सारी चीज़ें, सारे एटम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, सब कुछ दोस्तों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो ये है हमारे पास हेक्सागोनल यूनिट सेल। सो पहले तो मैं आपको बच्चों इस यूनिट सेल को समझाता हूँ। देखो दोस्तों, हेक्सागोनल यूनिट सेल में हमारे पास इस तरह का कुछ सीन होता है, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास इस तरह से सीन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो एटम की पोजीशनिंग है वो कहाँ कहाँ पर होती है उसको बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक आपने समझना है।
हमारे हेक्सागोनल यूनिट सेल में एटम की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, इसको दोस्तों आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। सो हमारे जो दोस्तों एटम्स मौजूद होते हैं वो होते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। हमारे जो एटम मौजूद होते हैं यहाँ पर होते हैं, ओके। सो हमारे जो दोस्तों एटम्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, मैं चलिए खुद ही उसको मैं बना देता हूँ, मैनुअली उसको बना देता हूँ। सो एटम्स दोस्तों हमारे मौजूद होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। सो इस हेक्सागन में एटम्स हमारे कॉर्नर पे मौजूद हैं, प्लस साथ ही साथ एक एटम हमारे बीच में ही मौजूद होता है, यहाँ पर ही मौजूद होता है। कुछ यही सीन जैसी बच्चों हमारी ये लेयर होगी एग्जैक्टली वैसे ही हमारी ये लेयर रेप्लिकेट होगी, ठीक है। सो दिस इज आर लेयर नंबर वन एंड दिस इज आर लेयर नंबर थ्री। सिंस एवरी थर्ड लेयर इज पैरेलल टू फर्स्ट लेयर बिकॉज वी आर स्टडिंग एबीएबी टाइप ऑफ पैकिंग, तो एबीएबी टाइप ऑफ पैकिंग को हेक्सागोनल यूनिट, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेल हेक्सागोनल वाला बनता है। सो ये हमारे पास दोस्तों दो लेयर्स हैं। अब बहुत ध्यानपूर्वक समझना, अच्छा बाय द वे ये सारे आइटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ये सारे आइटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, लेकिन हमने टच करते हुए इसलिए नहीं दिखाए, अदरवाइज बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है और आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे बनानी है सेकेंड लेयर ऑफ एटम। दोस्तों सेकेंड लेयर ऑफ एटम जरा ध्यानपूर्वक समझना दोस्तों, ये जो तीन एटम हैं, दोस्तों ये जो तीन एटम हैं, इन तीन एटम के बीच में जो डिप्रेशन होगा वहाँ पे दोस्तों हमारा ये सेकेंड लेयर ऑफ एटम यहाँ पे ये प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो जो सेकेंड लेयर ऑफ एटम है हमारा इन तीन एटम के बीच में, मतलब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला एटम हमारा यहाँ पे मौजूद होगा, और अगला लेयर ऑफ एटम जो दोस्तों हमारा इन तीन के बीच में यहाँ पर मौजूद होगा। सो इन केस ऑफ थर्ड लेयर दोस्तों, इन केस ऑफ सेकेंड लेयर वी हैव ओनली थ्री एटम, सो इन बी लेयर वी हैव ओनली थ्री एटम्स। यही चीज़ दोस्तों हमको यहाँ पर भी एनसीईआरटी के फिगर में भी पिक्चराइज की गई है। सो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल की हम बातें कर रहे हैं। सो यहाँ पे दोस्तों एटम की पहले हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। सो देयर इज एन एटम हियर, हियर, इन सब जगहों पे दोस्तों एटम रहेगा अपना। सो एटम दोस्तों हमारा इन सब जगहों पर होगा, इन सभी कॉर्नर्स पे भाई हमारा एटम होगा, और यहाँ पर नहीं होगा, ये बच्चों रॉन्ग चीज़ है, इसको मैं हटा देता हूँ। सो यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और हमारे बच्चों मिडिल लेयर में इन तीन जगहों पर एटम होंगे, मिडिल लेयर में इन तीन जगहों पर एटम होंगे। सो ये दोस्तों हमारे पास एटम की लोकेशन का सीन होगा। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल में हम दोस्तों जानना चाहते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, हम दोस्तों जानना चाहते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे। सो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, ये जो एटम होगा दोस्तों, ये जो एटम होगा इसका यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा आएगा, ये जो बीच वाला एटम है इसका यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा आएगा, इसका दोस्तों यूनिट सेल में सिर्फ हेमीस्फीयर वाला पोर्शन आएगा। सो ये जो फेस सेंटर्ड एटम होते हैं, ये जो दो फेस सेंटर्ड एटम है, ये और ये, इनका बच्चों इस यूनिट सेल के अंतर्गत सिर्फ आधा हिस्सा आएगा। सो फॉर दीज टू फेस सेंटर्ड एटम ओनली वी नीड टू टेक हाफ पोर्शन, क्योंकि सिर्फ आधा हिस्सा ही यूनिट सेल के अंतर्गत है। ये जो तीन हमारे रेड वाले एटम्स हैं दोस्तों, ये जो तीन हमारे रेड वाले एटम्स हैं, दे आर कम्प्लीटली इनसाइड, ये जो तीन रेड वाले एटम्स हैं दे आर कम्प्लीटली इनसाइड। सो ये 100% इनसाइड है, ये दोस्तों पूरी तरह से इनसाइड है, ठीक है। ये इसका यहाँ पर सीन हो जाएगा। अब बच्चों सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है उस पर आते हैं दोस्तों। ये जो एटम है इसके बारे में आपको समझना है दोस्तों, ये जो एटम है इसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। ये एटम जो यहाँ पर मौजूद है, जो बाउंड्री वाले एटम्स होते हैं उनके बारे में आपको समझना है, ठीक है। अब उनका जरा सीन समझना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपने एटम का हेमीस्फीयर करना होगा, सबसे पहले आपने एटम का हेमीस्फीयर करना है। तो ये आपने एटम का हेमीस्फीयर कर लिया ना, आफ्टर कटिंग दिस हाफ, अब आपने दोस्तों इस एटम को तीन भागों में डिवाइड करना है, आपने दोस्तों इस एटम को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। जब आप इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना एंगल रहेगा, 120 डिग्री, क्योंकि 360 को 3 से डिवाइड करें तो 120 डिग्री। सो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एंड द एंगल इज 120 डिग्री।
दोस्तों अब इसी चीज़ को अब आपने दोस्तों अब इसी चीज़ को अब आपने दोस्तों अब आपने इसी फिगर को अब आपने गाइस अब आपने इसी फिगर को ठीक है। अब दोस्तों यही फिगर जो अपनी है दोस्तों यही जो अपनी फिगर है सो दोस्तों अब ये यही वाली अपनी जो फिगर है इस फिगर को ही अब आपने इस फिगर को अब आपने दोस्तों यहां पर लगा देना है। यही फिगर जो दोस्तों अपनी रहेगी ये फिगर दोस्तों अपनी यहां पर रहेगी ठीक है। सो हो नहीं पा रहा दोस्तों वो जो चीज़ वो जो मैं पूरा जो एनिमेशन में चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल मैं इसको मैं एक दूसरी तरह से मैं आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ ठीक है। दोस्तों ये जो पोर्शन है यही हिस्सा हमारा हर कॉर्नर पे मौजूद है, यही हिस्सा हमारा हर कॉर्नर पे मौजूद है। मैं आपको इसको दूसरी तरह से विजुलाइज कराता हूँ ठीक है। मैंने ये हिस्सा लिया, मैंने जो दोस्तों ये हिस्सा लिया यहाँ पर जो एटम मौजूद है मैं उसको मैं पिक्चराइज कर रहा हूँ, उसको मैं स्पेस फिल कर रहा हूँ ठीक है। ये दोस्तों ये जो एटम जो यहाँ पर मौजूद होंगी ये इस तरह से होंगी एंड दोस्तों दिस फिगर एंड दिस फिगर इज सेम, दोस्तों दिस फिगर एंड दिस फिगर इज सेम ठीक है। ये एंगल दोस्तों कितना है, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल भी 120 डिग्री है। तो ये जो कॉर्नर वाला जो हिस्सा है ये हमेशा बाउंड्री पे होगा, ये हमेशा बाउंड्री पे होगा और ये जो कर्व वाला हिस्सा है ये अंदर की तरफ होगा। सो ये कॉर्नर वाला हिस्सा आपने बाउंड्री पे रखना है, ये कर्व वाले हिस्से को आपने अंदर की तरफ रखना है, ये अंदर की तरफ है इस तरीके से। ये देखिए कर्व वाला जो हिस्सा है हमारा ये यहाँ पर है, ये हमारा दोस्तों कर वाला हिस्सा अंदर की तरफ है और जो ये हिस्सा है दोस्तों हमारा ये यहाँ पर है ठीक है, ये हिस्सा हमारा यहाँ पर है ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा इस तरह से यहाँ पर सीन है एग्जैक्टली दोस्तों मैं अगर इस चीज को मैं यहाँ पे निकालूं ठीक है 120 डिग्री एंड दिस फिगर एग्जैक्टली सेम लाइक दिस, दिस फिगर एग्जैक्टली सेम लाइक दिस। सो बाय द वे ये जो कॉर्नर पे जो एटम्स है हमारे दोस्तों ये जो कॉर्नर पे एटम्स है, अच्छा बाय द वे कितने कॉर्नर पे एटम्स है भाई, छः कॉर्नर ऊपर हो गए, छः कॉर्नर ऊपर हो गए, छः कॉर्नर ऊपर हो गए एंड छः कॉर्नर नीचे हो गए, सो टोटल बचे 12 कॉर्नर एटम्स। अब ये जो 12 कॉर्नर एटम्स है इनका कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंतर्गत आ रहा है, पूरे के पूरे कंप्लीटली इनसाइड आ रहा है। सो भाई हमने पहले एक एटम लिया था उसको आधा काटा, आधा काटने के बाद उसका 1/3 किया, सो मतलब दिस इज वन, दिस इज 1/2 और ये 1/2 का भी आपने 1/3 किया हुआ है, सो दैट इज 1/6। सो हमारे हेक्सागोनल यूनिट सेल में इन इन जगहों पर एटम है, कहाँ कहाँ पर एटम है आपको बता दूँ बच्चों, दो हमारे फेस सेंटर एटम, तीन हमारे एकदम मिडिल एयर के एटम्स और 12 हमारे कॉर्नर एटम्स और इनका इतना इतना पोर्शन यूनिट सेल के अंदर लेते हैं। अब ये कितना आता है आइए देखते हैं, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। सो इन हेक्सागोनल यूनिट सेल देर आर टोटल 6 एटम पर यूनिट सेल, इन हेक्सागोनल यूनिट सेल देर आर टोटल 6 एटम पर यूनिट सेल ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर 6 एटम मौजूद है। अच्छा इन 6 एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ कि हर एक एटम कितने लोगों को टच कर रहा है ये भी देख लेते हैं ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 12। अब कैसे 12 होता है इसको मैं समझाता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जो आसानी से जो विजुलाइज होगा उसके बारे में देखता हूँ। दोस्तों याद होगा ए बी, ए बी में एवरी थर्ड लेयर इज पैरेलल टू फर्स्ट लेयर, सो हियर वी हैव लेयर ए, हियर वी हैव लेयर बी एंड हियर वी हैव लेयर ए, उसके बाद कौन सी लेयर होगी, उसके बाद भाई होगी लेयर नंबर बी ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इस एटम का बताने जा रहा हूँ, मैं आपको दोस्तों इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताने जा रहा हूँ ठीक है। ये एटम कितने लोगों को टच कर रहा है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम पूरे के पूरे लैटिस में, एक एटम पूरे के पूरे लैटिस में कितने लोगों को टच करता है, इसी को कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये एटम बच्चों अपने प्लेन में इन 6 बंदों को टच कर रहा है, ये एटम दोस्तों अपने प्लेन में इन 6 बंदों को टच कर रहा है। इसके अलावा हर एटम कहाँ पे प्लेस होता है बच्चों, हर एटम अपनी निचली लेयर में 3 एटम के ऊपर प्लेस होता है, याद है ना कंसेप्ट। हमने अगली लेयर कहाँ रखते हैं, सेकेंड लेयर कहाँ रखते हैं, फर्स्ट लेयर में जो 3 एटम्स होते हैं उन 3 एटम्स के बीच में जो गड्ढा होता है, जो डिप्रेशन होता है उसके ऊपर हम लोग अपनी सेकेंड लेयर ऑफ एटम को रखते हैं। सो ये जो दोस्तों यहाँ पे सीन है कि जो एटम, ये एटम बाय द वे है कहाँ दोस्तों, ये एटम हमारा इन 3 एटम्स के ऊपर मौजूद है, ये एटम्स हमारा इन 3 एटम के ऊपर मौजूद है, ये जो 3 एटम्स है हमारे पास इन 3 एटम के ऊपर ये एटम मौजूद है। सो ये एटम हमारा नीचे से
ये एटम दोस्तों हमारा नीचे से इन तीन बंधों को टच कर रहा है, ये एटम हमारा नीचे से इन तीन बंधों को टच कर रहा है क्योंकि इन तीन के ऊपर बैठा हुआ है, इन तीन के ऊपर बैठा हुआ है। सो नीचे से तीन बंधों को टच कर रहा है, नीचे से तीन बंधों को टच कर रहा है, अपनी लेयर में छह बंधों को टच कर रहा है। मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे इंटरनेट से फीलिंग निकल के आ रही है कि आप लोग मेरी अगली बात को समझ गए हैं। मैं अगला सेंटेंस ना भी बोलूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मेरा अगला सेंटेंस क्या है, नीचे से तीन बंधों को टच करा, अपनी लेयर में छह बंधों को टच करा और ऊपर ऊपर, क्योंकि हम लोग पूरे लैटिस में देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ यूनिट सेल में नहीं देख रहे हैं, हम लोग लैटिस में देख रहे हैं। बच्चों ए के बाद बी लेयर, बी के बाद ए लेयर, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, बी लेयर। सो बच्चों ऊपर की लेयर में भी ये बंधा, दोस्तों ऊपर की लेयर में भी ये बंधा एग्जैक्टली, ऊपर की लेयर में भी ये बंधा एग्जैक्टली इन तीन बंधों के बीच में ट्रैप है। सो सीन समझिएगा, निचली लेयर में तीन बंदे, ऊपरी लेयर में तीन बंदे और अपनी लेयर में छह बंदे, इस तरीके से टोटल 12 लेयर को टच कर रहा है। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ये है बच्चों नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको यहाँ पर वॉइड्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है ये आपको दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, सो अब तक दोस्तों हम लोगों ने अपनी हेक्सागोनल यूनिट सेल को देखा और उसमें ये पाया कि भाई हेक्सागोनल यूनिट सेल में देर आर सिक्स एटम पर यूनिट सेल, देर आर सिक्स एटम पर यूनिट सेल। यहाँ पर भाई छः एटम होते पर यूनिट सेल और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 12। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ वॉइड्स की। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ वॉइड्स की, भाई वॉइड्स की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इसको आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, कितना भी देर लगे समझिएगा लेकिन इसको समझ के ही जाना है आपको। सो देखिए दोस्तों, पोजीशन ऑफ वॉइड्स के बारे में जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पहले तो ये समझिए ए बी, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेयर ए, लेयर बी एंड देन अगेन लेयर ए। सो अगर ए, लेयर ए और बी के बीच में जितने भी दोस्तों टेट्राहेड्रन वॉइड्स होंगे हम बस उनको निकालेंगे, और जितने टेट्राहेड्रन वॉइड ए और बी के बीच में होंगे नहीं टेट्राहेड्रन वॉइड बी और ए के बीच में भी होंगे। सो हम पहली दो लेयर के बीच में टेट्राहेड्रन वॉइड निकाल लें, उसको डबल कर लेंगे तो पूरे के पूरे यूनिट सेल में आ जाएंगे। ठीक है, अब भाई कितने वॉइड्स होंगे, भाई नंबर ऑफ वॉइड्स तो हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि इफ देयर इज अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग एन एटम्स देन देयर विल बी टू एन टेट्राहेड्रन वॉइड्स एंड एन ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स इन बिटवीन दोज एन एटम। किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, चाहे वो ए बी, ए बी हो या ए बी सी, ए बी सी हो, वहाँ पे एन एटम्स के बीच में टू एन टेट्राहेड्रन वॉइड्स और एन ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स होते हैं। सो दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे छः एटम के बीच में 12 टेट्राहेड्रन वॉइड्स होंगे और 6 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स होंगे। सो 6 एटम के बीच में 12 टेट्राहेड्रन वॉइड्स और 6 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स मौजूद होंगे। अब आइए चलिए निकालते हैं कि भैया ये 6 टेट्राहेड्रन वॉइड्स कहाँ हैं और 6 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स कहाँ हैं, इनको आइए चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए टेट्राहेड्रन वॉइड्स को निकालना थोड़ा मुश्किल है, ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स तो भाई आसानी से निकल आएगा। अब देखो टेट्राहेड्रन वॉइड्स कहाँ कहाँ पर हैं ये समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारी लेयर ए है इसको मैंने यहाँ पर बना दिया है, और जो लेयर बी है हमारी, ये जो हमारी बी लेयर है इसको मैंने यहाँ पे बना दिया है। आई होप एटम्स की पोजिशनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों देखिए पहले जो टेट्राहेड्रन वॉइड्स हैं हमारे, दोस्तों जो पहले जो हमारे टेट्राहेड्रन वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रन वॉइड कौन होता है, जो चार एटम के बीच में होता है, और दोस्तों ये रहे वो चार एटम, दोस्तों ये रहे वो चार एटम, दिख रहे हैं ना आपको ये चार एटम, ये तीन नीचे ऑरेंज वाले और एक ऊपर ब्लू वाला। तो बच्चों ये चार एटम्स आपस में क्या बना रहे हैं, टेट्राहेड्रन, वही जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बना हुआ है, और इन चार एटम के बीच में बच्चों यहाँ पर होगा, इन चार एटम के बीच में दोस्तों यहाँ पर होगा अपना एक टी वॉइड, इन चार एटम के बीच में दोस्तों यहाँ पे होगा अपना एक टी वॉइड। कुछ इसी तरीके से सीन यहाँ पर भी होगा, और इन चार एटम के बीच में यहाँ पर भी दोस्तों एक टी वॉइड होगा, इन चार एटम के बीच में यहाँ पर भी दोस्तों एक टी वॉइड होगा, और कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमारा यहाँ पर भी होगा, कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमारा यहाँ पर भी होगा, और इनके बीच में भी यहाँ पर टी वर्ड होंगे, इनके बीच में भी यहाँ पे टी वर्ड्स होंगे। सो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये तीन टेट्राहेड्रन वॉइड मैंने अभी आपके साथ शो किए, तीन टेट्राहेड्रन वॉइड दोस्तों ये मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देर इज वन मोर टेट्राहेड्रन वॉइड, दोस्तों देर इज वन मोर टेट्राहेड्रन वॉइड जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों उस टेट्राहेड्रन वॉइड को बनाने के लिए मैं पहले इनको मिटा देता हूँ,
मैं इनको मिटा देता हूँ, वीडियो तो आप पीछे रिपीट कर ही सकते हैं। मैं इनको दोस्तों मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इन सब फिगर्स को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, सो ये सब बच्चों वॉइड्स मैंने मिटा दिए, पुराने वाले मिटा दिए, जिससे कि आप नए वाले टेट्राहेड्रन वॉइड को अच्छे से विजुलाइज कर पाए। दोस्तों अब देयर इज वन मोर टेट्राहेड्रन वॉइड, वो दोस्तों टेट्राहेड्रन वॉइड कहाँ होगा, ये तीन एटम है पैरेलल लेयर में और एक आइटम आपने लेना है सेंटर वाला इधर। क्या आप अब देख पा रहे हैं, हमने एक उल्टा टेट्राहेड्रन बना लिया, उल्टा टेट्राहेड्रन बना लिया और इसके बीच में दोस्तों यहाँ पर, इसके बीच में दोस्तों इस जगह पर कहीं पर एक टेट्राहेड्रन वॉइड और होगा। ठीक है, सो तीन टेट्राहेड्रन वॉइड जो दोस्तों मैंने पहले बनाए और एक टेट्राहेड्रन वॉइड जो मैंने अभी बनाया। ठीक है, ये चीज, सो इस तरह से दोस्तों हो गए टोटल चार टेट्राहेड्रन वॉइड। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ टेट्राहेड्रन वॉइड्स और होंगे जो कि बाउंड्री पे होंगे, जो कि दोस्तों कहाँ पे होंगे, बाउंड्री पे होंगे, और चूंकि ये टेट्राहेड्रन वॉइड बाउंड्री पे हैं, दैट्स व्हाई दीज टेट्राहेड्रन वॉइड्स विल बी शेयर्ड, दैट्स व्हाई दोस्तों दीज टेट्राहेड्रन वॉइड्स विल बी शेयर्ड बाय अदर यूनिट सेल एज वेल। दोस्तों ये टेट्राहेड्रन वॉइड्स कहाँ पे होंगे, दोस्तों ये जो हमारा हेक्सागोनल है उसमें दोस्तों ये जो एजेस हैं, इन एजेस पर, इन एजेस पे दोस्तों ये टेट्राहेड्रन वॉइड मौजूद होंगे। सो छह एजेस हैं, छह के छह एजेस पे टेट्राहेड्रन वॉइड मौजूद होंगे। लेकिन ये जो छह टेट्राहेड्रन वॉइड्स मौजूद हैं दोस्तों, ये जो छह टेट्राहेड्रन वॉइड्स मौजूद हैं, ये दूसरे यूनिट सेल्स में भी शेयर हो रहे हैं। दूसरे कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहे हैं भाई, ये जो हमारी एज है दोस्तों, ये एज हमारी तीन यूनिट सेल में शेयर होती है। ये जो एज है दोस्तों हमारी, ये एज दोस्तों हमारी तीन यूनिट सेल में शेयर हो रही है, कुछ इस तरीके से। तो आप इसको ऊपर रेप्लिकेट कर लीजिएगा, तो ये जो बिल्डिंग है हमारी, ये जो लाइन है, ये जो पिलर है हमारा, ये तीन यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, तीन हेक्सागन में शेयर हो रहा है। दिस इज वन हेक्सागन, दिस इज टू हेक्सागन एंड दिस इज थ्री हेक्सागन। तो इसी तरह से इस बिल्डिंग में मौजूद, इस पिलर पे मौजूद ये टेट्राहेड्रन वॉइड भी तीन यूनिट सेल में शेयर होगा। तो जो छः टेट्राहेड्रन वॉइड्स हमारे छः एजेस पे होते हैं, छः साइड्स पे होते हैं, ठीक है, छः एजेस पे मौजूद हैं, इनका वन थर्ड हिस्सा ही हमारा, इनका वन थर्ड हिस्सा ही हमारा काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से कितने टेट्राहेड्रन वॉइड हो गए, 3 + 1 + 6 × 1/3 मतलब 2, ये हमारे पास हो गए टोटल के टोटल 6 टी वॉइड्स। ये दोस्तों हमारे पूरे के पूरे 6 टेट्राहेड्रन वॉइड्स हमारे मौजूद हो गए। ठीक है, अब चूंकि ये जो 6 टेट्राहेड्रन वॉइड्स हुए हमारे कहाँ हुए, ये सिर्फ हमारे ए लेयर और बी लेयर के बीच में है। जितने टेट्राहेड्रन वॉइड ए और बी के बीच में होंगे, उतने टेट्राहेड्रन वॉइड अगेन बी और ए के बीच में भी होंगे। सो अब अगर हम इसका बच्चों डबल कर दें, अब दोस्तों अगर हम इसका डबल कर देंगे, देन वी विल गेट टोटल 12 टेट्राहेड्रन वॉइड्स, देन वी विल गेट बच्चों 12 टेट्राहेड्रन वॉइड्स। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 12 टेट्राहेड्रन वॉइड्स होंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो जो एजेस वाली टेट्राहेड्रन वॉइड्स है उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उनको मैं दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ, बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको थोड़ा सा खाली जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चलिए मैं आपके साथ पहले बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पेस खाली कर देते हैं, फिर वापस से वो एजेस वाले जो हैं, ये जो छह एजेस वाले हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अब आ गए हम लोग एक बहुत बहुत डीप फिगर में आ गए हैं, और इसके लिए आपको एक बहुत तगड़ी विजुलाइजेशन चाहिए। ठीक है, सो मैं दोस्तों आपको एजेस पे मौजूद जो दोस्तों हमारी हेक्सागोनल यूनिट सेल की जो एजेस होती है, वहाँ पे जो मौजूद दोस्तों हमारे जो टेट्राहेड्रन वॉइड्स है, उनको मैं दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो दोस्तों ये जो एजेस वाले टेट्राहेड्रन वॉइड्स हैं, ये एक्चुअली में कई यूनिट सेल में शेयर होते हैं। सो मैं दोस्तों यहाँ पर एक एज बना देता हूँ, मैं दोस्तों यहाँ पे एक एज बना देता हूँ। अब दोस्तों आपने समझना है, देखो ये बी लेयर जो है ना, बी लेयर एटम्स, ये जो बी लेयर एटम्स हैं उनको दोस्तों मैं शो कर रहा हूँ। सो ये बी लेयर एटम हमारे पास है यहाँ पर दोस्तों, ये बी लेयर एटम है, ये बी लेयर एटम है, ये बी लेयर एटम है, और इसी तरह से दूसरे हेक्सागोनल, दूसरे हेक्सागोनल यूनिट सेल में भी ये बी लेयर एटम दोस्तों यहाँ पे हमारी मौजूद है। चलो थोड़ा सा इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं ये। अब दोस्तों यू नीड टू मेक अ टेट्राहेड्रन, कैसे टेट्राहेड्रन आप बनाएंगे, आप बनाएंगे टेट्राहेड्रन ऐसे, यू नीड टू ज्वाइन दीज थ्री लाइन्स, यू नीड टू ज्वाइन दीज थ्री पॉइंट्स, ये बी लेयर के इन तीन बंदों को ज्वाइन करना है, और इनके नीचे ये बंदा मौजूद है, इनके नीचे बच्चों ये बंदा मौजूद है, तो ये जो बंदा है बच्चों एग्जैक्टली इन तीन एटम्स के बीच में मौजूद है, और इसके यहीं पर, इसके दोस्तों यहाँ पर, इसमें दोस्तों यहाँ पर, इसमें दोस्तों यहाँ पर, इस पॉइंट पर
दोस्तों इस पॉइंट पर हमारा एक टेट्राहेड्रन वॉइड मौजूद होगा। ये टेट्राहेड्रन वॉइड हमारा कहाँ पे आ रहा है दोस्तों? ये टेट्राहेड्रन वॉइड हमारा निकल करके आ रहा है एज के ऊपर आ रहा है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था। ये हमारे एज के ऊपर दोस्तों टेट्राहेड्रन वॉइड आ रहा है। और ये जो टेट्राहेड्रन वॉइड है कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा है? ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, ये तो ये बच्चों तीन में शेयर हो रहा है। सो कितने एजेस है, कितने कॉर्नर से हमारे पास? छः, हर कॉर्नर से एक एज आ रही है। सो छः कॉर्नर पर बच्चों छः के छः टेट्राहेड्रन वॉइड्स है, बट दे आर शेयर्ड बाय थ्री यूनिट सेल। सो एक यूनिट सेल के अंदर उसका कितना हिस्सा आएगा? दो। सो दो टेट्राहेड्रन वॉइड्स हमारे एजेस पे आ गए। तीन टेट्राहेड्रन वॉइड्स मैंने आपको बताए थे, एक टेट्राहेड्रन वॉइड फेस सेंटर वाले के ऊपर था, तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए छः टेट्राहेड्रन वॉइड। सो छः टेट्राहेड्रन वॉइड्स हो गए ए और बी के बीच में, और अगेन छः टेट्राहेड्रन वॉइड्स हो जाएंगे बी और ए के बीच में। सो इस तरह से दोस्तों टोटल हमारे पास 12 टेट्राहेड्रन वॉइड्स हो जाएंगे इन कंप्लीट दिस एचसीपी यूनिट सेल। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, एचसीपी में 12 के 12 टेट्राहेड्रन वॉइड्स को पहचानना बहुत मुश्किल होता है और इसका विजुलाइजेशन जल्दी नहीं आता है। सो हो सकता है आपको इस वीडियो को 5 बार 6 बार रिवाइज करना पड़े, देखना पड़े। देखिएगा, विजुलाइज करिएगा और कंसेप्ट सीखिएगा। अभी हम लोग को ऑक्टाहेड्रन वॉइड भी देखना है। ऑक्टाहेड्रन वॉइड का विजुलाइजेशन बहुत ईजी है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रन वॉइड का विजुलाइजेशन बच्चों बहुत ईजी है। ऑक्टाहेड्रन वॉइड को विजुलाइज करना बहुत आसान है। ठीक है, सो ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स हमारे कहाँ कहाँ पे मौजूद है, आइए उसको देखते हैं। सो उसको देखने से पहले थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। सो गाइज, अब बारी है हमारी ऑक्टाहेड्रन वॉइड की। सो भाई, एच सी पी में ऑक्टाहेड्रन वॉइड की पोजिशन कहाँ पर है? दोस्तों देखिए, एच सी पी में जो ऑक्टाहेड्रन वॉइड की पोजिशन है, देर आर 6 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स। ठीक है, देर आर 6 ऑक्टाहेड्रन वॉइड। ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, और ये अगेन ए लेयर है। ठीक है, सो इनके बीच में 3 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स होंगे, और इनके बीच में दोस्तों 3 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स होंगे। जो 3 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स यहाँ होंगे वही एग्जैक्टली बच्चों ऊपर भी रिपीट हो जाएंगे। अब वो कहाँ कहाँ पे, जरा ध्यान देना। पहली चीज बच्चों, टेट्राहेड्रन वॉइड और ऑक्टाहेड्रन वॉइड की पोजिशनिंग में कन्फ्यूज मत हो जाना, कन्फ्यूज हो सकते हो आप। देखो, ध्यानपूर्वक समझो। ठीक है दोस्तों, ये जो एटम है हमारा, ये 3 एटम के बीच में जो डिप्रेशन है वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक टेट्राहेड्रन वॉइड बना पा रहे हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन वॉइड भी हमने बनाया, तो ये दोस्तों अपना एक टेट्राहेड्रन वॉइड है। ठीक है, ये दोस्तों अपना एक टेट्राहेड्रन बन गया, और इन 4 एटम के बीच में दोस्तों इन 4 एटम के बीच में, इस एटम के नीचे और इन 4 एटम के बीच में यहाँ पर एक टेट्राहेड्रन वॉइड मौजूद है। इन 4 के बीच में और इसके नीचे यहाँ पे दोस्तों टेट्राहेड्रन वॉइड मौजूद है। ठीक है, अब मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ। सो दोस्तों, टेट्राहेड्रन वॉइड हमारा इस पोजीशन पे प्लेस्ड है, इस पोजीशन पे प्लेस्ड है। अब ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, ऑक्टाहेड्रन वॉइड कहाँ होगा? दोस्तों इन 3 के बीच जो पोजिशनिंग है उसके ऊपर हमारा ये एटम है। सो इसके बाद जो एडजेसेंट जो ट्राइंगल बन रहा है, इसके बाद दोस्तों जो एडजेसेंट ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर कोई एटम नहीं दोस्तों, यहीं पर ही हमारा मौजूद होगा क्या? ओवॉइड। यहीं पे दोस्तों हमारा मौजूद होगा ऑक्टाहेड्रन वॉइड। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा? दोस्तों ऐसे होगा, ऑक्टाहेड्रन वॉइड कहाँ होता है? ऑक्टाहेड्रन वॉइड एक ऐसी कैविटी होती है जो 6 एटम के बीच में होती है। नीचे ये 3 एटम है और ऊपर भी 3 एटम होंगे। अब ये ऊपर वाले 3 एटम कौन कौन से? ये 2 एटम और एक एटम दोस्तों दूसरे यूनिट सेल में होगा यहाँ कहीं पर। सो ये 3 और इन तीन के बीच में दोस्तों हमारा आएगा यहाँ पे कैविटी। इन 3 के बीच में यहाँ पे आई है हमारी ये कैविटी। ये कैविटी नीचे से 3 बंदे और ऊपर से 3 बंदों के साथ शेयर हो रही है, तो ये हमारी एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड है। सो ऑक्टाहेड्रन वॉइड दोस्तों एकदम टेट्राहेड्रन वॉइड से सटी हुई होती है। ऑक्टाहेड्रन वॉइड दोस्तों हमारी टेट्राहेड्रन वॉइड से सटी हुई होती है। ठीक है, अब दोस्तों और कहाँ पे होगी, आइए जानते हैं। अब देखो दोस्तों, अगले वाला ये जो ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों, अगला वाला ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसके ऊपर ये मौजूद है, और जहाँ पे मौजूद होगा वहाँ पे क्या होगा? टी वॉइड। यहाँ पे टी वॉइड होगा, तो यहाँ पर तो टी वॉइड है। सो इसके बाद वाला जो ट्राइंगल है इसके बाद वाला जो ट्राइंगल है दोस्तों, ये वाला, यहाँ पे होगा हमारा क्या? एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड। और ये जो ऑक्टाहेड्रन वॉइड है पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर है। ये ऑक्टाहेड्रन वॉइड पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर है, क्योंकि देखो इसका जो सेंटर है वो यूनिट सेल के अंदर ही आ रहा है। ये हमारा यहाँ पर है। इसी तरह से अगला ऑक्टाहेड्रन वॉइड इसको छोड़ करके जो ये वाली होगी, इसके ऊपर यहाँ पर होगा। सो देर आर 3 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स इन बिटवीन ए एंड बी, एंड सिमिलरली देर आर अगेन 3 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स इन बिटवीन बी एंड ए। सो टोटल ऑक्टाहेड्रन वॉइड कितने हो जाएंगे? 6 ऑक्टाहेड्रन वॉइड और 12 टेट्राहेड्रन वॉइड। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पर सीन होगा। ठीक है,
हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, दूसरी बार में देखना, तीसरी बार में देखना, चौथी बार में देखना, पांचवी बार में देखना, और उसके बाद जो मैं आपके लिए एनिमेशन लिंक्स बच्चों जो टेलीग्राम पे शेयर करूंगा उनमें जाकर के आप देख सकते हैं, जहां पर कि और अच्छा विजुलाइजेशन में भी आपको मिले। लेकिन दोस्तों एनिमेशन की हेल्प लेना, तुरंत सवाल करते समय तुरंत आंसर देख लेना, तुरंत उसका सोल्यूशन देख लेना, इससे आपके कंसेप्ट बनते नहीं है। कंसेप्ट बनते जब आप खुद से उसमें दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर सीन है और ये हमारी पोजिशनिंग है वॉइड्स इन एचसीपी यूनिट सेल। इसके बाद बात ये आती है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में वॉइड्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। वो बहुत इजी है और उसको हम लोग बच्चों बाइनरी कंपाउंड्स में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हमारा क्या होता है भाई, एबीसी एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग को हम लोग एफसीसी या सीसीपी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सारा का सारा सीन होता है, जो सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं, वो हमारे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वाले फॉर्मूले लग जाते हैं। एबीसी एबीसी में सारे के सारे फॉर्मूले फेस सेंटर्ड वाले लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूनिट सेल ही एफसीसी वाला है। यहाँ पे हेक्सागोनल वाला यूनिट सेल है तो वो हमने अब तक देखा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे पूरा बता दिया। सो वहाँ पे सीन क्या होगा, एबीसी एबीसी वाले में सीन क्या होगा दोस्तों, एबीसी एबीसी वाले में एफसीसी यूनिट सेल है। अब एफसीसी यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं भाई, एक यूनिट सेल में वहाँ पर होते थे चार एटम एक कॉर्नर पे और तीन हमारे फेस सेंटर पे। सो देर आर फोर एटम्स इन वन यूनिट सेल। अभी जो चार एटम पर यूनिट सेल होते थे, सो अगर चार एटम होंगे तो उनके बीच में कितने टेट्राहेड्रन वॉइड्स होंगे भाई, उनके बीच में होंगे आठ टेट्राहेड्रन वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स कितने होंगे, चार होंगे। सो आइए चलिए वो भी आपको बता देते हैं, कहाँ पे ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स हैं और कितने टेट्राहेड्रन वॉइड्स हैं, आइए चलिए उसको भी देख लेते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग आ गए हैं पोजीशन ऑफ वॉइड्स इन एचसीपी, पोजीशन ऑफ वॉइड्स इन एफसीसी, एफसीसी और सीसीपी या एबीसी एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग है, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला बच्चों कि भाई यहाँ पर जो हमारा सारा का सारा फॉर्मूला लगता है वो हमारा एफसीसी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफसीसी यूनिट सेल बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे एफसीसी यूनिट सेल के जो सारे के सारे फॉर्मूले वो लगेंगे। मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे हमारे, चार, कॉर्नर पे एक और फेस सेंटर पे तीन, चार हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब बारी भाई पोजीशन ऑफ वॉइड्स की, अब दोस्तों बारी यहाँ पे पोजीशन ऑफ वॉइड्स की, वॉइड्स की पोजीशन क्या होगी वो दोस्तों अब चलिए बारी है यहाँ पर। सो दोस्तों यहाँ पर टेट्राहेड्रन वॉइड्स कितने होंगे, टेट्राहेड्रन वॉइड्स कितने होंगे भाई, अगर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में एन एटम है तो टेट्राहेड्रन वॉइड कितने होंगे, 2n होंगे। सो मतलब देयर आर गोइंग टू बी 8 टेट्राहेड्रन वॉइड्स, सो देर आर गोइंग टू बी 8 टेट्राहेड्रन वॉइड्स। एंड ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स कितने होंगे भाई, ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स में होंगे 4, ठीक है, ऑक्टाहेड्रन वॉइड हमारे 4 होंगे। अब ये जो दोस्तों कहाँ कहाँ पे है आइए इसको जानते हैं, ठीक है। सो बहुत ध्यानपूर्वक विजुलाइजेशन को करिएगा। पहली चीज समझिएगा बच्चों ऑक्टाहेड्रन वॉइड कहाँ कहाँ पर है, दोस्तों पहली चीज समझिएगा ऑक्टाहेड्रन वॉइड कहाँ कहाँ पर भाई, ऑक्टाहेड्रन वॉइड होता है दोस्तों एजेस पे, एजेस के अलॉन्ग दोस्तों हमारा ऑक्टाहेड्रन वॉइड होता है। तो ये जो एज है दोस्तों हमारा, ये जो एज है, इस एज पे दोस्तों हमारा एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड मौजूद होगा हर एज के सेंटर पे, दोस्तों हर एज के सेंटर पे, हर एज के सेंटर पे दोस्तों हमारा एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड मौजूद होता है। अब ये जो ऑक्टाहेड्रन वॉइड है ये पूरी तरह से इस यूनिट सेल के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये कितने यूनिट सेल के अंतर्गत आएगा ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो हमारा एज है दोस्तों, ये जो हमारी एज है ये कितने यूनिट सेल में शेयर होगी, समझदार बच्चे हो तुम लोग, इशारा ही काफी होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये जो हमारी एज है ये कितने यूनिट सेल में शेयर हो रही है, ये हमारी दोस्तों टोटल 4 यूनिट सेल में शेयर हो रही है, ये दोस्तों टोटल 4 यूनिट सेल में शेयर हो रही है। ये जो एज है हमारी ये 4 यूनिट सेल में शेयर हो रही है और इसके सेंटर पे मौजूद हमारा है ऑक्टाहेड्रन वॉइड। तो इस ऑक्टाहेड्रन वॉइड का कितना हिस्सा एक यूनिट सेल के अंतर्गत है भाई, इसका हिस्सा कितना एक यूनिट सेल के अंतर्गत भाई, 4 में शेयर हो रहा है तो एक यूनिट सेल के अंतर्गत इसका 1/4 हिस्सा आएगा। अच्छा बाय द वे इस तरह के कितने हैं, बाय द वे इस तरह कितने भाई, क्यूब में जितनी एजेस होती उतने हैं, क्यूब में जितनी एजेस होंगे उतने एज सेंटर होंगे, उतने एज सेंटर पे हमारे ऑक्टाहेड्रन वॉइड होंगे। अब भाई क्यूब में कितनी एजेस होंगी, क्यूब में एजेस दिखाई गए लेते हैं भाई, 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं और 4 खड़े हुए पिलर्स हैं, सो टोटल बच्चों 12 एजेस होती हैं। और 12 एजेस में इस तरह से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 3 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे।
ये क्या बात हुई, थ्री ऑक्टाहेड्रन वॉइड, हमने तो चार निकाले थे, तो तीन ही कैसे हैं? दोस्तों यही तो यहाँ पे बात है बच्चों, एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड यहाँ पे छिपा होता है एकदम बॉडी सेंटर पोजीशन पे, एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड यहाँ पर बॉडी सेंटर पोजीशन पे होता है, वन ऑक्टाहेड्रन वॉइड दोस्तों यहाँ पर एट बॉडी सेंटर पोजीशन पे होता है, वो भी हमारा ऑक्टाहेड्रन वॉइड ही है। अब ये कैसे बॉडी सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रन वॉइड है, क्योंकि ये जो ऑक्टाहेड्रन वॉइड बॉडी सेंटर पोजीशन पे होता है ये छः लोगों से घिरा हुआ होता है। कौन कौन से छः लोग? छः के छः फेस सेंटर एटम, छः के छः फेस सेंटर एटम, चार दीवालों पे मौजूद फेस सेंटर एटम, एक ऊपर छत पे और एक नीचे फर्श पे। तो ये भी दोस्तों हमारा छः एटम से घिरी हुई कैविटी, ये भी ऑक्टाहेड्रन वॉइड है। अब ये जो एज वाली है हमारी, ये कैसे ऑक्टाहेड्रन वॉइड है इसको भी देख लेते हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझना दोस्तों। ये जो पोजीशन है ये भी छः एटम से घिरी हुई है। कैसे छः एटम से घिरी है आइए आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो पोजीशन है हमारी ये छः एटम से घिरी हुई, किस तरह से समझना दोस्तों, यहाँ पर मौजूद है एक फेस सेंटर एटम, यहाँ पे मौजूद है एक फेस सेंटर एटम, इसी तरीके से यहाँ पे मौजूद है एक फेस सेंटर एटम और यहाँ पे मौजूद है एक फेस सेंटर एटम। सो ये जो एज है हमारी ये चार फेसेस से ऐसे घिरी हुई है और इन चारों फेसेस के फेस सेंटर पे एक एक एटम मौजूद है, तो ये चार एटम से घिरा हुआ हो गया। इसी तरह से एक एटम ऊपर है और एक एटम नीचे है, तो इस तरह से हो गया ना हमारा ऑक्टाहेड्रन वॉइड। तो इस तरीके से दोस्तों हर एज पे और हर एज के सेंटर पे दोस्तों एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड मौजूद होता है। और कितनी एजेस होती है टोटल क्यूब में? 12। सो 12 एजेस होती हैं, हर एक में एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड है जिसका एक यूनिट सेल के अंतर्गत सिर्फ 1/4 हिस्सा आता है, तो टोटल ये 3 हो गया और एक ऑक्टाहेड्रन वॉइड कम्प्लीटली बॉडी सेंटर पोजिशन पे। तो इस तरह से हो गए कितने? 4 ऑक्टाहेड्रन वॉइड्स, ठीक है, 4 ऑक्टाहेड्रन वॉइड। अब बारी आती है भाई टेट्राहेड्रन वॉइड की, तो भाई टेट्राहेड्रन वॉइड पे भी आ जाते हैं। सो टेट्राहेड्रन वॉइड पे आने से पहले इन सब चीज़ को मिटा लेते हैं। ठीक है, सो दोस्तों टेट्राहेड्रन वॉइड पे आने से पहले हमने इन सब चीजों को मिटा लिया। अब दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, यहाँ पे जो 8 टेट्राहेड्रन वॉइड्स है, ये 8 टेट्राहेड्रन वॉइड 8 के 8 कॉर्नर के पास होते हैं। क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं ना, ये जो कॉर्नर्स है ना, हर कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रन वॉइड मौजूद होता है जो पूरी तरह से यूनिट सेल के अंतर्गत होता है। अब ये कैसे है आइए समझाता हूँ। टेट्राहेड्रन वॉइड वो वॉइड होता है जो कि 4 एटम से घिरा हुआ होता है। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपके लिए टेट्राहेड्रन बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने ज्वाइन किए हैं ये तीन फेस सेंटर एटम। क्या आप समझ सकते हैं कौन कौन से तीन फेस सेंटर एटम है? ये वो तीन फेस सेंटर है जो एकदम आपस में टच हो रहे हैं, जो एकदम एडजेसेंट फेसेस हैं। ये दीवार और ये दीवार, ये तीन एडजेसेंट फेस सेंटर एटम्स हैं और ये हमने लेना है कॉर्नर एटम। अब अगर मैं बच्चों इन चारों को ज्वाइन कर लूँ तो बन गया ना दोस्तों एक टेट्राहेड्रन। तो इन चारों को ज्वाइन करने में बन जाएगा एक टेट्राहेड्रन और इस टेट्राहेड्रन के पास ही, इस टेट्राहेड्रन के बीच में यहाँ पर होगा एक टेट्राहेड्रन वॉइड। सो हर एक कॉर्नर के पास एंड अक्रॉस क्यूब डायगनल की दिशा में दोस्तों एक टेट्राहेड्रन वॉइड मौजूद होता है। ये टेट्राहेड्रन कैसे बनता है? तीन फेस सेंटर एटम और एक कॉर्नर एटम को जोड़ करके एक टेट्राहेड्रन बनता है और इसी टेट्राहेड्रन के बीच में विसिनिटी पे ये टी वॉइड मौजूद होता है। सो एवरी कॉर्नर पे इस तरह से दोस्तों 8 टेट्राहेड्रन वॉइड मौजूद होते हैं, ठीक है। सो ये दोस्तों हमारा होता है कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रन एंड ऑक्टाहेड्रन वॉइड इन ABC एंड ABAB टाइप ऑफ पैकिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये काफ़ी डेप्थ वाला, काफ़ी हाई लेवल का दोस्तों विजुअलाइजेशन वाला वीडियो था। पहली पार्ट में हो सकता है शायद आप में से कुछ बच्चों को समझ में आए, कुछ बच्चों को ना आए, लेकिन बच्चों इसमें आपको, अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार प्लस NCERT की रीडिंग के साथ अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। भाई देखिए कोई भी जो टफ चीज़ होती है वो पहली बार में समझ में नहीं आती, मैं हमेशा कहता हूँ। जब आप छोटे थे तो क्या आपने मल्टीप्लाई पहली बार में सीख लिया था, डिवाइड पहली बार में सीख लिया था, LCM पहली बार में सीख लिया था? नहीं सीखा था। तो उसी तरह से ये भी एक टफ चीज़ भी पहली बार कोई नहीं समझ में आता है, लेकिन इस टफ चीज़ को छोड़ने में भलाई नहीं है क्योंकि एडवांस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करेंगे अगले वीडियो पे जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी कंपाउंड्स को। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।